नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा कि मक्के की खेती में कौन कौन से रोग होते हैं और उनका निवारण कैसे करना है, कैसे प्रबंध करना है, इस बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में, किसान भाइयों में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके किसान भाई भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार कहना चाहूँगा, आप चाहे तो इसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी से भी आप कर सकते हैं। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं इस खेती से संबंधित कुछ भी जानकारी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मक्के की खेती, जी हाँ दोस्तों, मक्के की खेती में कौन कौन से रोग, कौन कौन से कीट लगते हैं, इस बारे में मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, इसमें जो है करीब जो है, देखिए, मक्के का भूरा धब्बा रोग। मक्के की खेती जो लोग कर रहे हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए भी बता देता हूँ कि मक्के का भूरा धब्बा रोग होता है। मक्के में इस रोग उसमें जो है पत्तों की जो शिराएं हैं वो तने व भुट्टों के बाहरी छिलके पर छोटे छोटे पीले धब्बे दिखाई देते हैं, जो कि बाद में मिलकर बड़े गोले भूरे रंग के हो जाते हैं। तो ये होता है भूरे धब्बा रोग। तो मैं आगे आपको बताऊंगा, पहले बताऊंगा आपको कितने कौन कौन से रोग होते हैं, फिर इनका निवारण बताऊंगा। मक्का का ब्राउन स्ट्राइप डाउनी मिल्डियो, इस रोग में जो है पत्तियों की शिराओं के मध्य में हल्के हरे या पीले रंग की पट्टियां बन जाती हैं। दोस्तों, देख ध्यान से देखिएगा तो उसमें जो है हल्के पीले रंग की जो है पत्तियां बन जाती है, पत्तियों की निचली सतह पर सफ़ेद फफूंद नज़र आता है। यहाँ दोस्तों सफ़ेद फफूंद नज़र आएगा। बचाव के लिए करना क्या है, प्रति किलोग्राम बीज को 2.5 ग्राम मेटोलेक्सिल से उपचारित करना है। तो आपको जो है पहले बीज उपचारित करना है डालने से पहले, खेत में डालने से पहले, तो आप पहले बीज लें और बीज को जो है आप उपचारित कर लें। तो एक किलो बीज में जो है 2.5 ग्राम मेटालेक्सिव, जहाँ दोस्तों मेटालेक्सिल, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मेटालेक्सिल, ये आपको आपको मिल जाएगा कृषि का, जहाँ आपको बीज मिलता है, जहाँ पे यूरिया मिलता है, खाद मिलता है, वहाँ से मिल जाएगा आपको। तो इसको ले और आप उपचारित कर लें। तो मैंने जैसे बताया कि प्रति किलो एक बीज में जो है 2.5 ग्राम, तो अगर आप जैसे अपने हिसाब से कितना किलो बीज डाल रहे हैं उस हिसाब से उतने ग्राम जो है मेटालेक्सिल से उपचारित करें। फिलिपाइन डाउनी मिल्यूड, दोस्तों ये एक बीमारी है, प्रारंभिक अवस्था में पत्ती पर पीले रंग की धारियां नज़र आती है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो उसमें जो है धारियां नज़र आएगी। रोकथाम के लिए आपको जो है 100 लीटर पानी में 200 ग्राम मेनको जेब घोल कर छिड़काव कराना है आपको। ध्यान से सुन लीजिएगा दोस्तों, आपको रोकथाम के लिए क्या करना है, 100 लीटर पानी में 200 ग्राम मेनको जेब घोल कर छिड़काव करें। टर्सिकम लीफ ब्लाइट, ये एक रोग है
जो भुट्टे में पाया जाता है। रोगी पौधे की निचली पत्तियां लंबे चपटे सल्टी या भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं जो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं। दोस्तों ये धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं तो ये भी एक रोग है। एक रोग है बेडिड लीफ एंड शीथ ब्लाइट। ये जो बीमारी है इस रोग में पत्ते व शीथ पर चौड़ाई से के रूप में सलेटी या भूरे रंग की गहरिया पट्टी दिखाई देती है। इसमें तो जो पत्ता रहेगा उसमें जो सलेटी रंग की पट्टी दिखाई देगी या फिर जो है भूरे रंग की पट्टी दिखाई देती है। बढ़ने पर भुट्टे नष्ट हो जाते हैं। भूमि को छूने वाले रोगों की पत्तियों को शुरू से ही तोड़ देने से रोग की रोकथाम होती है। तो अगर आपको आपकी खेत में दिखाई दे रहा है तो इन सब पत्तियों को जो है ज़मीन में छूने से पहले तोड़ के इन्हें जला के दबा दें। इस बात का ध्यान रखें दोस्तों, अगर इस तरह की दिखती है आपको भूरे रंग की गहरी पट्टी दिखाई देती है तो इसको ज़मीन में टच होने से पहले इन्हें काट के तोड़कर जला दें और उसके बाद मिट्टी, जब वो जल जाए उसके बाद उसको मिट्टी में ढक दें। तो ये इसके रोकथाम का तरीका है। इर्विनिया तना गलन रोग। पौधे की पोरियां पीली और फिर भूरे व चिपचिपी होकर गल जाती है वह पौधा गिर जाता है। गले हुए भाग से बदबू आती है। रोकथाम के लिए खेत में जल निकास के उचित प्रबंध करें। या दोस्तों जहां पानी पूरे खेत में भरा रहता है वहां इस प्रकार की स्थिति आ जाती है भुट्टे के पौधे में। तो आपको इससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आपके खेत में जहां भी आपने भुट्टा लगाया है वहां पे पानी रुकना नहीं चाहिए, उन्हें पानी निकालने की व्यवस्था करें, खेत में पानी जमा ना होने दें। तो इससे आप इस रोग से आसानी से बच सकते हैं। मेडिस लीफ ब्लाइट। ये जो रोग होता है इसमें क्या होता है, पत्तियों की शिराओं के बीच में पीले भूरे अंडाकार धब्बे बन जाते हैं जो बाद में लंबे होकर चौकोर हो जाते हैं। इससे पत्तियां जली हुई लगती हैं। चारकोल रोट, ये भी एक मक्के के पौधे में पाया जाता है रोग। तो इसमें क्या होता है, तने के निचली पोरियों पर काले रंग के अनेक बिंदु दिखाई देते हैं। दोस्तों बिंदु बिंदु टाइप दिखाई देते हैं। तना चीरने पर अंदर से काला नज़र आता है। खेत में नमी की कमी से इस रोग की संभावना बढ़ जाती है। तो अपने खेत में नमी बनाए रखें। अगर नमी नहीं बढ़ा के रखते हैं तो जो है आपके पौधों में इस तरह का रोग हो सकता है। तो फिर से आपको बता देता हूँ, तने की निचली पोरियों पर काले रंग के जो है बहुत सारे बिंदु दिखाई देंगे आपको, और तने को चीरने पर अंदर से काला नज़र आएगा। इसका मतलब ये पानी नहीं मिल रहा उनको, नमी की कमी है। तो ज़रूर नमी को पूरा करने के लिए पानी वानी दें। फ्यूजेरियन तनागलन रोग। फ्यूजेरियन तनागलन रोग एक ऐसा रोग है जो मक्के की प्रजाति में पाया जाता है, मक्के खेत के इसमें। तो पौधे की पोरियों के निचले हिस्से पर जड़ गल जाती है। चीरने पर तना अंदर से भूरा दिखाई देता है। ये रोग गर्म क्षेत्रों में होता है, जहाँ जलवायु गर्म है वहीं पर ये होता है। तो आप इसका ध्यान रखिएगा दोस्तों। किस तरह से इसका निवारण करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। मक्का रसट, ये एक रोग है। मांझर बनते समय अधिक नमी होने पर पत्तियों के दोनों सतह पर गोल लंबे सुनहरे या गहरे भूरे रंग का पाउडर बिखरा दिखाई देता है। दोस्तों ऐसा लगता है कि कोई पाउडर बिखरा हुआ है। तो इसी को कहते हैं मक्का रसट। तो इसका उपचार कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक रोग होता है पीथियम तनागलन रोग,
जहाँ दोस्तों पीथियम तना गलन रोग पौधे की सबसे नीचे वाली पोर गल जाती है, वह पौधा गिर जाता है। ये बीमारी पौधे की छोटी अवस्था में जो है छोटे पौधों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। कैसे रोग को नियंत्रण करना वो भी बता देता हूँ आपको। रोग जो है, अगर तुला सीता रोग हो, जिसको हम तुला सीता रोग जो होता है उसमें क्या करना है, 2.5 किलोग्राम जिंक मैग्नीशियम कार्बामेट या फिर हेक्टेयर को आवश्यकता पानी में घोलकर छिड़काव करें। जी हाँ दोस्तों, प्रति हेक्टेयर में जो है आपको ये घोल करना है, 2.5 किलोग्राम जिंक मैग्नीशियम कार्बेट प्रति हेक्टेयर को आवश्यकता अनुसार पानी में घोलकर छिड़काव करें। कहने का मतलब ये है, जो भाई बंधु नहीं समझ पा रहे हैं उनको मैं समझा रहा हूँ कि जो है 2.5 किलोग्राम जिंक मैग्नीशियम कार्बोमेट को प्रति हेक्टेयर को आवश्यकता अनुसार पानी मिला लें। प्रति हेक्टेयर में 2.5 किलोग्राम ही डालना है और आवश्यकता अनुसार पानी मिला के छिड़काव करें। झुलसा रोग हो तो क्या करना है, जिंक मैग्नीशियम कार्बोमेट 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का खड़ी फसल पर छिड़काव कर दें। झुलसा रोग हो गया तो भी आपको यही डालना है, खड़ी फसल में छिड़काव करना है। तला सड़न रोग, अगर ये हो जाए तो क्या करना है, 10 ग्राम सेट्रिप लोसाइक्लिन या फिर 50 ग्राम एग्रीमाइसिन। जी हाँ दोस्तों, एग्रीमाइसिन आपको मिल जाएगा, एग्रीमाइसिन आप 50 ग्राम लीजिए या फिर जो है प्लाटोमाइसिन मिलेगी आपको, वो ले सकते हैं आप, ये भी 50 ग्राम ले सकते हैं, कोई भी एक ले लें। प्रति हेक्टेयर को पानी में घोलकर खड़ी फसल में छिड़काव करें, तना सड़न रोग समाप्त हो जाएगा। फिर से मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, अगर 50 ग्राम एग्रीमाइसिन वो डाल लें और पानी में डाल के आवश्यकता पानी में डाल के जो है आप इसको छिड़काव करें, या फिर जो है आप जो है प्लाटोमाइसिन ये भी 50 ग्राम पानी में डालें, आवश्यकता अनुसार पानी में घोल लें और उसके बाद इसका छिड़काव करें। खड़ी फसल में छिड़काव करना है तो इससे जो है आपके जो है इस प्रकार के सारे कीट जो है इन सब को जो है आप समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों खरपतवार बीच बीच में करते रहें ताकि जो है आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है पैसा कमा, तो ये ज़रूरी है दोस्तों कि आप जो है खरपतवार करते रहें, निकालते रहें। उम्मीद करता हूँ जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़ को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार।